नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कुछ दिनों पहले आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि नॉर्दर्न रीजन ने आप सभी को एक चौंकाने वाला न्यूज़ दिया था कि आपके टाइपिंग और डीवी जो है आपके 16 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। और इसकी खुशी में आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि आप लोग को उसी दिन कन्फर्म हो गया था कि ये वैकेंसी जो है कैंसिल नहीं होने वाली है। इसकी जो है प्रॉपर हियरिंग होने के बाद इसको क्लियरेंस मिल जाएगा, आपके फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद आज जब एनआर रीजन ने डीवी के साथ में एक इंस्ट्रक्शन शीट जब जारी किया तो उसमें कुछ ओबीसी का इश्यू को लेकर के बहुत ही ज़्यादा मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पर कि इस तरीके का दिक्कत है, इस तरीके का दिक्कत है। मैंने 2 से 3 लोगों तक फ़ोन से बात करके और व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई करके समझाने का कोशिश किया कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बट मैंने मुझे लग रहा था कि इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस पर एक वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ओबीसी इशू को लेकर के है क्योंकि वहाँ पे लिख रखा है कि 2017 एक्सेप्टेड, तो 2017 का कुछ एक क्लॉज लिखा हुआ, ठीक है ना, एक सेंटेंस एक लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने एसएससी में सीएचएसएल में अगर आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा होगा तो मैं उसका ट्रांसलेट करके आप लोगों को सामने मैं बताता हूँ। ठीक, सबसे पहले मैं ध्यान दिला देता हूँ कि कौन से नोटिफिकेशन को लेकर के, कौन से इंस्ट्रक्शन को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये इंस्ट्रक्शन एसएससी ने एनआर रीजन के साइट पर अपलोड कर रखा है और इसे आप देख सकते हो। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे ही देख सकते हो ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के। अब मैं इसे स्क्रीनशॉट लेकर के कट करके मैं उसे पावर पॉइंट में थोड़ा सा दिखाता हूँ आप सभी को, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट पॉइंट को लेकर के आप इसमें देख सकते हो कि ये पूरा लास्ट तक पूरा कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, बाकी आप सभी के सभी समझ लोगे, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप देख सकते हो कि उसी इंस्ट्रक्शन को लेकर के मैं इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ और उसका फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट जो है आप सभी देख सकते हो। तो चलिए मैं उस पॉइंट पर लेकर के आता हूँ। ये रहा फर्स्ट पॉइंट। अगर आप लोग पढ़ रहे होगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले लिखा हुआ ओबीसी सर्टिफिकेट मस्ट हैव मेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन नंबर बाय विच द कास्ट ऑफ द कैंडिडेट इज इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी एज पर एनेक्सर सेक 7 अटैच टू द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये सिंपल सा है तो आप इसे समझ ली होगी। फॉर द पर्पस ऑफ नन क्रीमी लेयर स्टेटस, ठीक है, नन क्रीमी लेयर स्टेटस के पर्पस के लिए, ठीक, द ओबीसी कैंडिडेट्स, मतलब जो भी कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं, मस्ट एंश्योर, आपको खुद से पता लगाना है, ठीक है ना। इसमें आपको ये नहीं बोला कि सर्टिफिकेट पुराना है 2017 का, कुछ भी नहीं ऐसा कुछ बोला कुछ गया। मस्ट एंश्योर, आपको सुनिश्चित करना है, ठीक, डैट ही और सी डस नॉट फॉल इन द क्रीमी लेयर ऑन 27/12/2017 27 दिसंबर 2017 के दिन वो लोग क्रीमी लेयर के अंदर इंक्लूड नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उसके पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 27 तक आप नहीं होने चाहिए। और 27 कौन सा डेट है? 27 आपका वो डेट है जिस दिन तक आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट था, ठीक। मतलब कि कहने का तात्पर्य बस इतना सा ही है कि ओबीसी का बेनिफिट वही लोग उठा सकते हैं जो 27 दिसंबर 2017 को नन क्रीमी लेयर में आते थे, ठीक। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि आपको उसी दिन तक का सर्टिफिकेट चाहिए। तो प्लीज़ इस पॉइंट को जो है अच्छे से समझें, अगर आप लोग अच्छे से समझ लेते तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिएगा। इन केस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ये तो आपका अलग चीज़ है सिग्नेचर वाली, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो मैंने तो पहले ही बोल रखा है कि अगर आप लोगों के पास डीएम तक के अगर पहुंच है तो वहाँ तक चले जाओ आप उस ऑफिस तक और वहाँ से सिग्नेचर करवा लो तो ज़्यादा बेस्ट रहती है, वरना कोई नहीं, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे वहाँ पर, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक साइन लेना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ओबीसी को इश्यू को लेकर के यार दिक्कत ख़त्म हो गई होगी। और एक और चीज़, ओबीसी आप किसी भी डेट के लेकर के जाओ, अगर आपको लग रहा है कि 2014-2015 का ऐसे, वो भी एसएससी एक्सेप्ट करती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग के पास नया बन चुका है तो आप लेकर के जाओ, नए वाले को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक। अगर आप लोगों ने पुराने वाले को भुला दिया है या तो फिर आपका कहीं खो कहीं पर गया नहीं है, तो प्लीज़ आप उसे लेकर के जाओ नए वाले को।
और जो आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ, ऐसा आपको मैं एक और चीज़ में क्लियर कर दूँ, अगर आपका ज़्यादा ही पुराना है उस पर भी एसएससी जो है चेक करती ही करती है, तो वो एसएससी का, सॉरी एसएससी नहीं, डिपार्टमेंट चेक करती ही करती है, तो वो यार डिपार्टमेंट की काम है, ठीक है ना, ना कि आपकी कोई काम ना नहीं है, ठीक। अगर आप लोग सच्चे हो, ठीक हो, अगर आप लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं बनवा रखा है, तो किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे तो वो न्यू हो चाहे तो वो ओल्ड हो। लेकिन अगर आप लोगों ने फर्जी बनवा रखा है, फेक बनवा रखा है, डुप्लीकेट बनवा रखा है, तो वो कहीं ना कहीं जा करके आप पकड़े ही जाओगे। तो प्लीज़ वो काम नहीं करना है, फेक वगैरह नहीं बनवाना है, ठीक है। तो बस इतना ही चीज़ों का बस ध्यान रखिएगा, इसलिए बोला जाता है कि कुछ एक साल का पहले, क्योंकि आप उतने पुराना जो है सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हो, उसको जो एसएससी को चेक करने में उतने ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक। तो आशा करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुँच गई होगी। एक सारांश करके मैं बता देता हूँ, ओबीसी आप किसी भी दिन के अगर हो लेकर के जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको वहाँ पे डीवी में जो पास कर दिया जाएगा, आप टाइपिंग दे सकते हो, और आपको जो है ओबीसी में ही समझा भी जाएगा। और ओबीसी के बस वही बच्चे इनका बेनिफिट उठा सकते हैं जो नन क्रीमी लेयर एनसीएल में आते हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, एवं बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलता हूँ मैं, थैंक यू टाटा एंड बाय बाय।